नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मई 2019 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आई हुई वो कैप के बारे में, जैसा कि हम डेली करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैंने स्पोर्ट्स पर एक करंट अफेयर पर वीडियो अपलोड की थी, जिसपे मैंने दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस किए थे। तो कुछ लोगों ने बोला था कि सर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, तो मैं आपको बता देता हूँ उसकी पीडीएफ कैसे लेनी है। आपको मैंने लिंक दिया था, उस पर कैसे आपको जाके पीडीएफ लेनी है पहले वो बता देता हूँ, फिर हम वोकैबलरी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने कम्युनिटी पर आपको पीडीएफ दे दी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे गाइस हियर इज़ द पीडीएफ ऑफ द करंट अफेयर ऑफ स्पोर्ट। तो ये यहाँ मैंने लिंक किया, लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका नया एक पेज खुल जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताया। तो ये पेज खुलेगा, यहाँ पे फिर आपका टाइमर चलेगा 3 2 1, जब ये आपका 0 सेकंड हो जाए उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ड्राइव पे एंटर करना है। मेरी गूगल ड्राइव में करने के लिए आपको यहाँ गेट लिंक पर क्लिक करना है। गेट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नया पेज खुल जाएगा, इस नए पेज को क्रॉस कर देना और जो पिछला पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको पीडीएफ खुल जाएगी। ये लोडिंग हो रही है, ये आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाके। तो ये थी हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रोसीजर। अब हम वो कैप की तरफ मूव करते हैं। वो कैप स्टार्ट करने से पहले कल की वो कैप का फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। कल की जो वो कैप थी हमारे सामने, भारत में कुछ ओप्रेसिव लोग, ओप्रेसिव का मतलब कुछ अत्याचारी लोग ब्लैंटली छोटे छोटे बच्चों को, ब्लैंटली का मतलब जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को डैटनू बना लेते हैं का मतलब बंदी बना लेते हैं, और आर्बिट्रेरी काम करवाते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने ढंग से काम करवाते हैं। तो ये थी कल की वो कैब की ट्रिक। अब हम आज की वो कैब पर मूव करते हैं। आज 17 मई 2019 की वो कैब हमारे सामने, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है बढ़ जाना, कोई चीज़ अपनी पहुँच से ऊपर पहुँच जाना, मतलब आउटरीच होना पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है भाषण कला, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मैं बोलूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भाषण कला बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, तो मतलब उनके पास आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। तो भाषण कला मीन्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग मीन्स रेटोरिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दिक्कत। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिक्कत और रेटोरिक दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो दिक्कत का मतलब होता है ऑर्डर या फरमान। मान लो कि कोई बंदा है जो सिर्फ ऑर्डर दे देता है और सामने वाले को वो इंसान करना पड़ता है, मतलब ऐसा जब कोई फरमान जारी कर देता है और सामने वाले को वो मानना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम दिक्कत। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जीरो आउट। जीरो आउट का मतलब होता है पूरी तरह से हटा देना या टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग टू जीरो। किसी की भी अमाउंट को जीरो तक बिल्कुल रिड्यूस कर देना, कम कर देना या पूरी तरीके से हटा देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनटाइटली। अनटाइटली का मतलब होता है मिलकर या एक साथ काम करना, डैट इज अनटाइटली। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना या कुछ इमेजिन करना। ए सपोजिशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। लिमिटेड एविडेंस या लिमिटेड सबूत पर कुछ आपने परिकल्पना कर ली, कुछ सोच लिया, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फिलानथ्रोप। फिलानथ्रोप का मतलब होता है परोपकार, या एक वर्ड मैंने आपको बताया था, जब मैंने वन वर्ड बताया था उसमें बताया था फिलानथ्रोपिस्ट, जिसमें मैं आपको बताया था फिलान का मतलब, फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से प्यार करता है या ऐसा पर्सन जो मानवता से प्यार करता है, तो वो क्या कैसा होता है परोपकारी। तो फिलानथ्रोपिस्ट हो गया परोपकारी, फिलानथ्रोप हो गया परोपकार। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना करना, ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। दर्शक ऐसे पर्सन जो बहुत सारे शो देखने आते हैं, जैसा कि मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी के भाषण को देखने के लिए बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आते हैं, तो स्पेक्टेटर्स हो गया दर्शक। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम इसकी ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक की तरफ मूव करने से पहले जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ट्रिक हमारे सामने है, एक एन्यूमरेशन में पाया गया, एक गणना में पाया गया कि हमारे देश के पीएम के पास रेटोरिक है। रेटोरिक मतलब बोलने की कला है या भाषण देने की कला है। उनके भाषण सुनने के लिए स्पेक्टेटर्स, उनके भाषण सुनने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग पीएम को फिलानथ्रोपिस्ट मानते हैं, कुछ लोग पीएम को फिलानथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो हमेशा दिक्कत देते हैं, वो हमेशा ऑर्डर देते हैं या फरमान देते हैं, जैसे कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का फरमान दिया था और GST लागू कर दिया था। तो ये थी हमारी ट्रिक आज की। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। कल दो वर्ड दिए थे मैंने आपको, एक वर्ड दिया था सब्सटेंसिव और दूसरा दिया था टैक्टिकली। तो दोनों का अच्छे सही आंसर दिया दिशा गुप्ता जी ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया दोनों का। उसके बाद संजीता यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया सब्सटेंसिव का,
और टैक्टिकली का, इन्होंने हमेशा की तरह पहले सेंटेंस फॉर्म किया, उसका मतलब बताया, फिर सिनोनिम बताया, फिर एंटोनिम्स बताया, फिर उससे रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म किया। ऐसे ही उन्होंने टैक्टिकली का बताया कि एडजेक्टिव है, फिर उसका मतलब बता दिया, मीनिंग बता दिया, फिर सिनोनिम्स बता दिए, फिर एंटोनिम्स बता दिए, और फिर सेंटेंस फ्रेम किया। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। इसके बाद रीना पूनिया ने भी राइट आंसर दिया सब्सटेंसिव का और टैक्टिकली का, बिल्कुल राइट आंसर दिया, थैंक यू रीना जी। उसके बाद प्रेस्तो रानी ने भी राइट आंसर दिया सब्सटेंसिव का और टैक्टिकली का। अब मैं आपको दो वर्ड दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ फ्रेड, FREAD, फ्रेड फर्स्ट वर्ड या फ्रेड। और दूसरा वर्ड दे रहा हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको इसके रिलेटेड PDF चाहिए तो मुझे बताए ना, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आपको लिंक वैसे डाउनलोड करना है जैसे मैंने आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।